दिस वीडियो इज पावर्ड बाई वंडरशेयर वीडियो कन्वर्टर अल्टीमेट, जिसकी हेल्प से आप वीडियो को 30 गुना फास्ट स्पीड से लगभग सभी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, फॉर्मेट या डिवाइस चूज कीजिए एंड कन्वर्ट कीजिए। ये वीडियो कन्वर्टर के साथ साथ वीडियो एडिटर, डाउनलोडर, मीडिया सर्वर एंड डीवीडी बर्नर भी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो की एक यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ जो है वो पैसे का लेन देन कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, पैसे मंगवा सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के बेस पे। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड वगैरह की जरूरत नहीं होगी, और वो भी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं देना है। रियल टाइम में पैसे जो है वो ट्रांसफर होंगे और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे। बट यहाँ पे कुछ शर्त है, और शर्त ये कि सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास जो है वो बैंक अकाउंट होनी चाहिए और उस बैंक अकाउंट से लिंक जो है आपका मोबाइल नंबर होनी चाहिए, और उसी मोबाइल नंबर का यूज जो है आप भीम एप्लीकेशन को एक्टिवेट करने में करेंगे। तो खैर, चलिए देख लेते हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेंगे और इस एप्लीकेशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएंगी या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं भीम। ये एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन जो है एनसीपीआई की तरफ से है, तो आप इस एप्लीकेशन को सिंपली इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज करूंगा, और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए। आपको कुछ परमिशन देनी होगी तो आप सिंपली अलाउ कर दीजिए, एंड नेक्स्ट जो है आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पे जो है आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी अकाउंट आप यूज करने वाले हैं उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पे यूज करेंगे, और वो मोबाइल नंबर जो है आपके मोबाइल में होनी चाहिए अभी, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ये आपके नंबर से एक मैसेज भेजती है मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए। और ये फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा जो नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट आपको पासकोड जो है वो क्रिएट करना है। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड जो है वो आपको एंटर करना होगा, एंड देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे बैंक चूज करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने यूज किया है उसी से रिलेटेड जो बैंक है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मेरे अकाउंट को डिटेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपको जो है यूपीआई पिन सेटअप करना है। फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ, नॉट नाउ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो टू होम। एंड फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, सेंड, रिक्वेस्ट, स्कैन एंड पे। आप जो है क्यूआर कोड की हेल्प से भी जो है वो पैसे मंगा सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। उसके साथ ही आप ट्रांजैक्शन प्रोफाइल एंड बैंक की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि पैसे अगर हमें भेजने हो तो हम कैसे भेजेंगे। पैसे भेजने के लिए आपको सिंपली जो है सेंड के ऊपर क्लिक करना है। ओके, सबसे पहले जो है आपको यूपीआई पिन जो है वो सेट करना होगा, तो चलिए सेट कर लेते हैं। इसमें यहां पर आपको जो है अपने कार्ड का, आपके पास जो भी कार्ड है डेबिट कार्ड जो है उसका आपको जो है लास्ट 6 डिजिट और उसके बाद जो है एक्सपायरी डेट आपको एंटर करना है, एंड देन फाइनली जो है आपके पास ओटीपी आएगा। यहां पर जो है आप जो है अपना यूपीआई पिन जो है वो सेट कर लीजिए, जो कि ट्रांजेक्शन में जो है आपका काम आएगा। ओके, फाइनली ये हो गया, और फिर से हम लोग चलते हैं सेंड में, और यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जो है मोबाइल नंबर के बेस पे काम करता है, तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगले बंदे का मोबाइल जो है वो भीम के ऊपर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, और उसके बाद जो है वेरीफाई, ये वेरीफाई करेगा कि ये जो है नंबर अवेलेबल है कि नहीं भीम के ऊपर, एंड देन फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट एंटर करना है, और यहाँ पे आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और इसके बाद सिंपली आप पे के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड फिर से यहाँ पे आपको जो है यूपीआई पासवर्ड एंटर करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हर ट्रांजेक्शन के लिए जो है आपको पासवर्ड जो है वो यहाँ पे डालना होगा। ओके, तो ये था फाइनली भीम के बारे में। हो सकता है आपको इस एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लाइक कभी ओटीपी नहीं आता है तो कभी कुछ और एरर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी है इसलिए आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खैर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।